हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? आप और आपका परिवार ठीक ठाक है ना भाई? दोस्तों, नई सरकारी नौकरी निकली है दिल्ली में और पूरे भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप जेई के पदों पे काम करना चाहते हैं दिल्ली में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, दिल्ली में ये भर्ती निकली है DDA में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में भर्ती आई है, दिल्ली विकास प्राधिकरण में। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों वैसे तो कई प्रकार की वैकेंसी है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आई है, ज़्यादा क्वांटिटी में वैकेंसी आई है, ज़्यादा नंबरिंग में जो वैकेंसी आई है, वो JEE के पदों पे आई है। ठीक है, तो जॉब लोकेशन आपकी नई दिल्ली रहेगी और 10 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है ये दिल्ली की, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है दोस्तों। यहाँ पे फीस भी रखी गई है दोस्तों, जनरल OBC EWS के लिए 1000 रुपये फीस है, SC ST के लिए, एक्सट्रीशमैन के लिए 0 फीस है। फीस दोस्तों आपको ऑनलाइन ही भरनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। और 11 जून से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, और 10 जुलाई तक आवेदन होंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। और रिटर्न जो एग्ज़ाम होगा इसका, वो संभावित है 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में हो जाए दोस्तों। ठीक है, और जो दोस्तों एज की काउंटिंग है आपकी, वो 10/7/2022 इस डेट से काउंट की जाएगी कि आप कितने साल के होते हो। और एज रिलैक्सेशन में OBC को 3 साल की छूट है, SC को 5 साल की छूट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी है 1, यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी है डिग्री इन रिलेटेड फील्ड, और मैक्सिमम 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, छूट अलग से है। यहाँ पे उसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है 220, ठीक है, अनरिजर्व 92, EWS 22, SC 32, ST 16, OBC 58। डिप्लोमा मांग रखा है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, 18 से 27 साल एज है। एज में जो छूट होती है वो अलग से दी जाएगी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, ठीक है, 35 पोस्ट है इसके अंदर, अनरिजर्व के लिए 16, EWS के लिए 3, SC के लिए 5, ST के लिए 2, OBC के लिए 9। और इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा मांगा है दोस्तों, ठीक है, 18 से 27 साल एज है। तो ये JEE की भर्ती है दोस्तों, बहुत अच्छी भर्ती है सभी के लिए। प्रोग्रामर की 2 पोस्ट है, और डिग्री इन कंप्यूटर साइंस हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, 30 साल एज है मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है 6, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। प्लानिंग असिस्टेंट की 15 वैकेंसी है, डिग्री होनी चाहिए प्लानिंग में, आर्किटेक्चर में, एज मैक्सिमम 30 साल है, छूट अलग से है दोस्तों। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, किसी पोस्ट में स्किल टेस्ट है किसी में नहीं है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और सितंबर 2022 में जो इसका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि क्या कुछ रहेगा एग्ज़ाम में। तो जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करते हैं और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करते हैं, ठीक है। जूनियर इंजीनियर सिविल तो सिंगल स्टेज में एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा दोनों ही पोस्ट में JEE में, और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 120 नंबर का रहेगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीपल टाइप, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, साथ में जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो भी आपके दोस्तों पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। तो यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फटाफट से फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अप्लाई करने का, लिंक है टेलीग्राम पे, मैं शेयर कर दूंगा। आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।